हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश चैनल। जिन्होंने अभी तक नरेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और शेयर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। मैं आपके लिए इतना सा कर रहा हूँ तो आप लोग इतना कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है ना। और यही आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल को देख के प्रीवियस स्टूडेंट ने काफ़ी सारे स्कोर्स किए हैं DSP में और DTSP में, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो आप लोग मिस कर जाते हो, फिर आपको डाउट क्रिएट हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है FIR सिस्टम का केस स्टडी रियलाइजेशन, ठीक है। इससे पहले हम डायरेक्ट फॉर्म देख चुके हैं, लीनियर फेज देख चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ, किसी किसी बुक्स में आपको FIR सिस्टम दिखने को मिलेगा, किसी किसी बुक्स में आपको FIR फिल्टर मिलेगा, ठीक है। फिल्टर मतलब वो स्पेसिफिक बात कर रहा है, सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, लेकिन वो बात किसी कर रहा है, FIR की कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अपने को क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, क्योंकि वो थ्योरी में इतना डीप है, उसमें पूछता नहीं है, पूछेगा थ्योरी का क्वेश्चन अलग रहेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। FIR फिल्टर वन काइंड ऑफ द FIR सिस्टम, ठीक है, वो FIR सिस्टम ही है। तो प्रीवियस में मैंने जहाँ पे आपको FIR फिल्टर बोला है, दैट मीन्स FIR सिस्टम है, वो एक ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले वो है कैस्केड रियलाइजेशन FIR फिल्टर का, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है FIR फिल्टर सिस्टम रियलाइजेशन का। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले, कैस्केड रियलाइजेशन कितने टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कैस्केड रियलाइजेशन हमारा टू टाइप से सोल्व होगा। फर्स्ट हमारा यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है, जो हमने इसका, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म से सोल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा लीनियर फेज, ठीक है। तो जब कैस्केड रियलाइजेशन यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म होगा तो हम डायरेक्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर उसमें ड्रॉ करेंगे, और कैस्केड रियलाइजेशन यूजिंग लीनियर फेज रहेगा तो हम लीनियर फेज वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में स्पेसिफिक मेंशन रहेगा, अगर नहीं मेंशन है तो आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। बट मोस्टली एग्जाम मैंने देखा हूँ मेंशन रहता है यूजिंग ड्रॉ द कैस्केड स्ट्रक्चर ऑफ द लीनियर फेज FIR सिस्टम। अब यहाँ पर लीनियर फेज नहीं है तो यहाँ पर समझ जाओ कि डायरेक्ट फॉर्म वाला ही है, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर। और आप मान लो कोई भी आपने ड्रॉ कर दिया तो कोई भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ आप कैसे कंफर्म कर सकते हो, ये आपके टीचर कॉलेज का जो प्रोफेसर को पढ़ा रहा है वो क्या चाहता है, तो उससे आप डिस्कस करके रखो कि किस टाइप से हमको करना है, ठीक है ना, क्लियर। मेरे हिसाब से मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। चलो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ड्रॉ द कैस्केड स्ट्रक्चर ऑफ FIR सिस्टम डिस्क्राइब बाय द ट्रांसफर फंक्शन। इस टाइप से आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन रहेगा, ठीक है। नॉर्मली जब भी हमको कैस्केड फॉर्म सोल्व करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन का जो मैटर रहेगा, मतलब जो इक्वेशन रहेगी, डिफरेंस इक्वेशन, वो इस टाइप से रहेगी। वहाँ पे दो सिस्टम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगा, एक होगा एच वन ऑफ जेड और दूसरा ये होगा एच टू ऑफ जेड, ठीक है, तभी हमारा कैस्केड रिलेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। अगर आपको इक्वेशन डायरेक्ट एक लीनियर मैनर में गिवन हो, ठीक है ना, तो उसको आपको सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। उसको लाने के लिए आपको किससे फोकस करना है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन लानी, सेकेंड ऑर्डर बोले तो जेड एस टू माइनस टू, जेड एस टू माइनस टू, ठीक है ना। तो जैसे इक्वेशन हो सकती है, जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं मेरे हिसाब से, ठीक है ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म का जब ड्रॉ किया था उसमें था वन प्लस थ्री बाई फोर जेड इनवर्स प्लस 17/8 जेड एस टू माइनस टू प्लस 3/4 जेड एस टू माइनस क्यू प्लस जेड एस टू माइनस फोर। तो उसको ब्रेक करके आपको फिर इसमें होना, और ब्रेक करना थोड़ा टफ है, इतना ईजी नहीं है, तो आप वो अपने मैथ्स के टीचर से क्लियर कर सकते हो कि कैसे उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैंने जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं वो इसी क्वेश्चन पैटर्न में गिवन रहते हैं, इसके लिए मैं उसको डायरेक्ट वैसा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरे को जो पैटर्न मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जैसा दिखा है उस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आइए स्टार्ट करते थे। एच ऑफ जेड मतलब अल्टीमेटली आपका सिस्टम क्या हो गया, एच ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, एच वन ऑफ जेड इंटू एच टू ऑफ जेड। अगर इसको आप कैस्केड स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हो तो एक टाइप से आपका इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है, एक एच वन ऑफ जेड है, दूसरा आपका एस टू ऑफ जेड है, ठीक है। ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट है, ठीक है। इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैस्केड स्ट्रक्चर।
तो फर्स्ट ये वाला एच वन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसा मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्म में सिखाया था। कितना डिले है, मैक्सिमम दो डिले हैं, तो दोनों डिले को ड्रॉ कर देते हैं, जेड इनवर्स और जेड इनवर्स, एक साथ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसके साथ यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है, ये मेरा एक्स ऑफ एन है, ठीक है। यहाँ से मेरा कोफिशेंट क्या है, वन है, तो ये मेरा वन हो गया, प्लस वन बाई फोर है, तो इसको मैं यहाँ आगे लेकर जाके यहाँ पे एक एडर ड्रॉ करूँगा, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स ऑफ एन आगे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया वन बाई फोर जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स ही आ गया। यहाँ पे मैं इसको एडर के साथ ऐड कर दूंगा और इसकी वैल्यू लिखूंगा कोफिशेंट की वन बाई फोर। अब देखो ये वन प्लस वन बाई फोर जेड इनवर्स, ये जेड इनवर्स अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू देखते हो तो आपकी क्या हो गई, वन बाई फोर जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड। एक्स ऑफ जेड मैंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया, इतना सिंप्लीफाई करने के, बट आपको समझाने के लिए इतना ध्यान रखो, वन बाई फोर जेड इनवर्स, तो वन प्लस वन बाई फोर जेड इनवर्स। फिर इसको और आगे लेके जाएंगे, जेड स्क्वायर, तो ये आपका सीधा यहाँ पे प्लस लगाया, कनेक्ट हो गया और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड स्क्वायर, और यहाँ पे कोफिशेंट क्या, वन है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन है, ठीक है, आपको समझ आना। उसके बाद सेकंड इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो अभी ये इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया, इसको हम दे देते हैं आउटपुट को वाई वन ऑफ एन, ठीक है। अब वाई वन ऑफ किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वापस कितने जेड है, यहाँ पे दो जेड है, तो इसको एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जेड इनवर्स जेड इनवर्स, ठीक है। और ये हो गया, फर्स्ट वन है तो यहाँ पे वन, ठीक है, आपको ये ड्रॉ करना है वन के साथ, यहाँ पे एक एडर लगा दिया, तो ये फर्स्ट वन है, इसको वन कोफिशिएंट वन यहाँ पे लिख दिया। फिर वन बाई एट, तो यहाँ पे सीधा आपका ये वन बाई एट हो गया। फिर लास्ट में जेड इस वो है, तो यहाँ पे एक एडर लगा के इसको कनेक्ट करके ये मेरा क्या हो गया, वाई ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पे आपका इनपुट क्या हो गया, एक्स, ये वाई ऑफ एन है, ये एक्स टू ऑफ, समझ लो आप, ठीक है ना, बराबर। ये अब ये एक्स टू ऑफ एन क्यों है, क्योंकि ये इसका इनपुट है, सेकंड सिस्टम का है ये, यहाँ पे एक कॉमन इनपुट है, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक्स ऑफ एन, और पूरा सिस्टम का आउटपुट वाई ऑफ एन। इसका अगर सिंगल इनपुट देखो तो वो आपका क्या हो गया, एक्स वन ऑफ एन हो गया, ठीक है, वाई आउटपुट ही हो गया, इसका सिंगल इनपुट ही हो गया, आउटपुट ही हो गया। लेकिन वाई टू जो है ना वो टोटल सिस्टम का रेस्पॉन्स है, और एक्स वन ऑफ एन टोटल सिस्टम का इनपुट है, ठीक है। एक तो पैटर्न ये हो गया, अब इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हाँ यहाँ पे एक हमारा वन रह गया, ये हमारा वन है इसके साथ, तो ये ठीक है। इसको स्ट्रक्चर हम रीड्रॉ करेंगे, ये भी हमारा क्या है, कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन है, बट आपको मोस्टली जो स्ट्रक्चर फाइनल जो स्ट्रक्चर रहता है कैस्केड का, वो आपको इस टाइप से ड्रॉ करना है, या ध्यान रखना, ठीक है, मैं आपको उसको बता रहा हूँ, कुछ नहीं, डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ, रीड्रॉइंग कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझ लो, आपको वैसे ही करना है। ये एडर जैसा आपने डायरेक्ट फॉर्म एफ आई आर फिल्टर में किया उस टाइप से, ठीक है ना, आपको फाइनल आंसर ये ड्रॉ करना है, जेड इनवर्स कितना डिले, इसको मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अगेन ये जेड इनवर्स, ठीक है, सो ये जेड इनवर्स, यहाँ पे एक डिले, ये वाला एडर यहाँ पे आ, ये वाला एडर, ठीक है, ये वाला एडर और ये वाला एडर यहाँ, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ये एरो के साथ, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, वन बाई फोर, ये वन बाई फोर हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ये वन है, ये वन हो गया, और ये वैल्यू क्या, वन है, तो ये वन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये है, तो सेम वापस इसी टाइप से दो डिले ड्रॉ कर देंगे हम, ये डिले ड्रॉ हो गया फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ठीक है। उसके साथ अब यहाँ पे हमारा क्या, एक एडर है, हमने एक एडर लगा दिया, इस एडर को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे भी हमारा एक एडर है, इसको कनेक्ट कर दिया, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। डायग्राम को खाली चेंज किया बस इतना समझो, ठीक है, घुमा दिया इसे, इसे घुमाते हैं ना इस टाइप से, ये डायग्राम ऐसा देख लो, ठीक है, उस टाइप से, तो आपको भी ऐसे ड्रॉ कर लेना है, समझ लेना। ये वाला एडर ये है, ये वाला एडर ये है, ये जेड इनवर्स, ये वाला जेड इनवर्स ये है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या, वन है, तो वन, ये वन बाई एट है, तो ये वन बाई एट,
और ये वाला वन ये है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया एक्स ऑफ एन और ये हो गया हमारा आउटपुट वाई ऑफ एन, क्लियर। सो ये चीज़ हो गई हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम बना है, ये जो सिस्टम बना है एच वन ऑफ जेड, और ये वाला जो बना है एस टू ऑफ जेड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा शो फिगर हो गया कैस्केड रियलाइजेशन या कैस्केड फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, कैस्केड फॉर्म स्ट्रक्चर, क्लियर। तो ऑफ एफ आई आर सिस्टम, क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये हमारा किसका डायरेक्ट फॉर्म वाला कंसेप्ट था, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी हमारा लास्ट बचा है इसमें लीनियर फेज वाला, क्लियर। तो वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो आप आगे वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।